हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है। ये खबर बेसिकली सऊदी अरेबिया से है, आबू धाबी से। हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। और दूसरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप चाहें तो आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के स्टॉक प्राइस के मोमेंटम के बारे में। फ्राइडे के दिन दोस्तों 4.45 के रुपए ऊपर, यानी 0.18% की तेज़ी के साथ 2523.70 के ऊपर बंद हुआ। पूरे इंट्राडे में हाई की बात करें तो ओपन हुआ था पहले 2501.95 के ऊपर, 2539.80 का हाई और 2495.00 का लो। 41,34,544 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ एनएससी के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों इस कंपनी के 16,26,549 करोड़ रुपए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 52 वीक लो है 1830 का और हाई है 2570 रुपीज़ का। आप देख सकते हैं कंपनी के स्टॉक ने जबरदस्त लास्ट के 5 दिनों में जबरदस्त तेज़ी दिखाया है इस कंपनी ने। कंपनी के स्टॉक ने लास्ट के 1 महीने में अगर आप देखें तो ये काफ़ी बढ़िया मोमेंटम हमें दिखाया। टेक्निकली बहुत ज़्यादा बुलिश है दोस्तों। आइए सीधे खबर की बात करते हैं। खबर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और आप समझिएगा दोस्तों। खबर यहाँ आप देख सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इन कॉरपोरेट्स होली ओन्ड सब्सिडरी रिलायंस इंटरनेशनल इन UAE, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर, UAE के अंदर रिलायंस इंटरनेशनल लिमिटेड एक होली ओन्ड सब्सिडरी होने वाली है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है आबू धाबी के अंदर, जो कि ग्लोबल आबू धाबी ग्लोबल मार्केट जो कि UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर है। कंपनी यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यहां पे इस कंपनी सब्सिडरी के लिए 7.42 करोड़ रुपए या फिर $1 मिलियन इन कैश, या जो कि 1 मिलियन इक्विटी शेयर्स पर डॉलर, यानी एक शेयर की वैल्यू $1, तो इस तरीके से 10 लाख इक्विटी शेयर्स यानी $10 लाख, यानी $10 लाख मतलब $1 मिलियन, राइट। ये एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट है RIL के द्वारा इसकी कंपनी रिलायंस इंटरनेशनल लिमिटेड, जो कि एक होली ओन्ड सब्सिडरी होने वाली है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो सब्सिडरी है इसको सेटअप किया गया था ट्रेडिंग के लिए। किसकी ट्रेडिंग के लिए? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, इसके अलावा पेट्रोलियम से जुड़े हुए जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी सीरीज बहुत होती है। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल्स से जुड़े हुए जितने प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़, इन सभी के सभी प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग के लिए बेसिकली इस सब्सिडरी का जन्म हुआ था, जिसका नाम है रिलायंस इंटरनेशनल लिमिटेड, राइट। तो रिलायंस इंटरनेशनल लिमिटेड, जो कि RINL के नाम से भी समझ सकते हैं आप शॉर्ट में, ये अभी भी अपने बिजनेस ऑपरेशंस को शुरू करने वाली है। अभी शुरू नहीं किया है लेकिन शुरू करने वाली है। तो इसमें RIL ने 7.42 करोड़ रुपए यानी $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, ताकि ये कंपनी पेट्रोकेमिकल से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग कर सके, क्रूड ऑयल से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग कर सके इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। जो यहाँ पे कंपनी के प्लान है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बेसिकली जून के महीने में एक अनाउंसमेंट किया गया था इंडियन कॉन्ग्लोमेरेट यानी मुकेश अंबानी के द्वारा, कि ये जो आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी लिमिटेड है उसके अंदर ये उससे जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ये उसी प्लान का एक नतीजा है कि ऐसा करने वाली है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, राइट। ये जून के महीने में मुकेश अंबानी ने ये डिक्लेयर किया था कि ये आबू धाबी के नेशनल ऑयल कंपनी के अंदर उसके के इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ताकि ये केमिकल्स को प्रोड्यूस कर सकें,
राइट, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड कंज्यूमर गुड्स के लिए यूटिलाइज किए। ओके, तो दोस्तों ये बेसिकली अनाउंसमेंट का ही नतीजा है। तो आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और कंज्यूमर से जुड़े हुए गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट किया गया है। और दोस्तों यहाँ पे कंपनी की तरफ से अपडेट किया गया है कि इसके लिए जो है रिलायंस जो है इंटरनेशनल लिमिटेड किसी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स के अंतर्गत नहीं आती है। इसके लिए यहाँ पर किसी भी तरीके से प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप या ग्रुप कंपनीज़ को किसी भी तरीके से जो है रेगुलेटरी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। राइट, तो ये एक इन्वेस्टमेंट था, इसके लिए ये जुड़ी हुई खबर आपको पता होना चाहिए। देखिए एक चीज़ आपको पता है क्लियर कट कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, एक रिफाइनिंग ऑयल रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है जो कि इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात के वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है। राइट, तो RIL को लेकर के इस छोटी सी अपडेट अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को यू नो एनकरेज करने के लिए लाइक कर सकते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो।